उत्तराखंड सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। सर, क्योंकि उत्तराखंड में जिस तरीके से विधानसभा में भर्ती घोटाला हुआ हो या यूके ट्रिपल एससी हुए, कांग्रेस पार्टी लगातार इसको लेकर के मुखर है और सीबीआई जांच की मांग कर रही है। देखिए, जो अधीनस्थ चयन आयोग में जो भी भर्ती घोटाला वहाँ हुआ, उसकी मुख्यमंत्री जी ने बहुत व्यापक स्तर पर जो है जाँच की है। और आप सबको मैं बताकर ये कह सकता हूँ कि मैं अपने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दे रहा हूँ कि अभी तक 3 दर्जन से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं और कोई भी आदमी बख्शा नहीं जाएगा, इस सरकार ने स्पष्ट कह दिया है। और आप सबको पता है कि जो कांग्रेस इतनी चिल्ला रही है, उनका आज तक का इतिहास क्या रहा है, कांग्रेस के ज़माने में क्या क्या घोटाले होते हैं, सबको पता है। जहाँ तक विधानसभा भर्तियों का मामला है, तो इसमें भी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसकी जाँच की जाएगी। तो जब सरकार ने कह दिया है कि जाँच हो जाएगी, निष्पक्ष जाँच होगी और जो भी गड़बड़ियां होंगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कांग्रेस पार्टी विधानसभा में हुई भर्तियों को रद्द करने की मांग कर रही है और सीबीआई जांच की मांग कर रही है। देखिए, मैंने कहा कि भाई जब जांच के लिए आदेश हो गए हैं, मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि हम हर प्रकार की जांच कराएंगे, हर स्तर की जांच कराएंगे, तो सबको जो है देखना चाहिए कि भाई जब जाँच हो जाएगी, उसके बाद जब निर्णय आ जाएगा, तब सबको जो है ये देखना चाहिए कि हमने कितनी पारदर्शिता से काम किया है। और मैं कह सकता हूँ कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है। देश के प्रधानमंत्री जी ने भी पूरे देश में आह्वान किया है कि भाई हमको ईमानदारी से काम करना है। और इसलिए आपने देखा होगा कि जहाँ भी जिस भी विभाग में ऐसी कोई सूचना मिलती है, और आप सबको पता है कि किस किस के ज़माने में क्या क्या हुआ है, तो मैं कह सकता हूँ कि जाँच अच्छी हो रही है, जाँच एक सकारात्मक हो रही है और जाँच के बाद सबको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ गड़बड़े। कृष्ण धर्मदत्त के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।